कांग्रेस ने लाइन ली हुई है कि जैसे ही सत्ता मिली तो आरक्षण की 50% वाली लिमिट बढ़ाने पर काम करेंगे, जैसे ही सरकार बनी तो जातीय जनगणना कराएंगे। आरक्षण होने या नहीं होने से सीधा असर जनता पर पड़ता है। जितना ये जनता के हित से जुड़ा है उतना ही इसमें राजनीतिक हित भी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य आरक्षण के लिए सब कैटेगरी बना सकते हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी झूम उठे, डफली बजाने लगे, उनके ऑफिस में भी ढोल नगाड़े बजने लगे, यहां तक कि मिठाइयां भी बटने लगी। पिछले कई साल से कई राज्यों की सरकार ने वोट बैंक बनाने के लिए अलग अलग तरीके से लिमिट से ज्यादा आरक्षण दिए, लेकिन सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट में आते ही पलट गए। ऐसा इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश जो अब भी नहीं बदला है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार भी ऐसा ही एक आरक्षण देना चाहती थी, लेकिन सरकारी ऐलान होने से पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने रास्ता आसान कर दिया। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने वाले तेलंगाना पहला राज्य बनेगा। तेलंगाना सरकार 6 महीने में सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर लगी हुई थी। आरक्षण पर सुप्रीम ऑर्डर आते ही तेलंगाना सरकार ने कोटे के अंदर मडिका और माला जातियों के लिए कोटा देने का ऐलान कर दिया। मडिका और माला जातियों के उम्मीदवारों को तेलंगाना सरकार की नौकरी में आरक्षण मिलेगा। इसके लिए सरकार ABCD कैटेगरी को नए सिरे से तय करेगी। पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में लाने के लिए जरूरत पड़ने पर सरकार विधानसभा में ऑर्डिनेंस लाने के लिए भी तैयार है। सरकार को नए सिरे से जनसंख्या के आंकड़े जुटाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़े जुटाने के बाद ही सब कैटेगरी में आरक्षण देने को कहा है। दवार की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में मडिका की गिनती दलितों में होती है। राज्य में मडिका आबादी 15% है, लेकिन दलित आबादी में 50% अकेले मडिका ही है। 33 में से 16 जिलों में मडिका सबसे बड़ा दलित समुदाय है। 20 में से 25 विधानसभा सीटों पर असरदार वोटर माने जाते हैं। तेलंगाना में कुल 59 उपजातियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी आबादी मडिका समुदाय की है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछली BRS ने जो आंकड़े जुटाए थे उसके मुताबिक आपको बता दें कि तेलंगाना में मडिका आबादी करीब 19% है। मडिका आबादी करीब 32 लाख और माला आबादी करीब 15 लाख है। तेलंगाना में करीब 54 लाख अनुसूचित जाति आबादी है। आंध्र प्रदेश में भी मडिका और माला समुदाय के लोग रहते हैं। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में आरक्षण का ऐलान करके आंध्र CM चंद्रबाबू नायडू पर प्रेशर बढ़ा दिया है। आरक्षण देने के फैसले में देरी से बेवजह हंगामा खड़ा होगा। चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस की तरह जातीय जनगणना के पक्ष में है, जबकि BJP ने खुलकर स्टैंड लिया ही नहीं है। 1994 से मडिका समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा था, लेकिन कभी भी सुनवाई नहीं हुई। मडिका समुदाय की मांग थी कि अनुसूचित जाति में शामिल करके आरक्षण का लाभ दिया जाए। मडिका आरक्षण पोराटा समिति MRPS इसके लिए आंदोलन चलाती रही है। BJP मडिका को आरक्षण देगी इसी उम्मीद में पिछले साल नवंबर में PM मोदी की सिकंदराबाद रैली में समिति के अध्यक्ष मंदा कृष्ण मडिका आए थे। कृष्णा मडिका और मोदी इतने भावुक हुए कि एक दूसरे के गले मिल लिए। तब ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। जिन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगरी आरक्षण का रास्ता क्लियर किया है, उसमें एक याचिका मंदा कृष्णा मडिका की भी थी। तेलंगाना में BJP की सरकार तो नहीं आई। तेलंगाना से लौटकर PM मोदी ने मडिका को आरक्षण के लिए कमेटी बनाई, लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं हुआ। BRS BJP ने जो किया वो मौका आते ही रेवंत रेड्डी ने लपक लिया। सब कैटेगरी में आरक्षण से आरक्षण के विस्तार और जातीय जनगणना के राहुल गांधी के एजेंडे को ही पुश मिला है। BJP को 400 सीटें आई तो संविधान बदल देगी लोकसभा चुनाव में, ये नारा बहुत जोरों शोरों से विपक्ष ने लगाया। संविधान बदल देगी मतलब आरक्षण खत्म कर देगी। तेलंगाना में चुनाव प्रचार करते हुए रेवंत रेड्डी ने भी ये कैंपेन चलाया कि BJP 2025 तक ST SC आरक्षण को खत्म कर देगी।
रेवंत रेड्डी का ये काउंटर अटैक था क्योंकि पीएम मोदी तेलंगाना में बोलकर आए थे कि तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री मुसलमानों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेंगे। रेवंत रेड्डी ने मुसलमान आरक्षण पर तो अभी कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन जिसको आरक्षण दे सकते थे वो देने के लिए तैयार हो गए हैं। बाकी आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप न्यूज़ तक को जरूर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।